अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो रिग्रेशन हमने पिछली दो वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। कोरिलेशन में बेसिकली कोरिलेशन हमें बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, दोनों वेरिएबल आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो अगर आपको रिग्रेशन आता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो कोरिलेशन की भी तीन ही टाइप्स हैं, सिंपल, पार्शल और मल्टीपल। तीनों को हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये तीन आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड अनकोरिलेटेड। जिस तरह से रिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि स्कैटर डायग्राम हमें बताती है, सिंपल लीनियर मॉडल लगेगा या कर्वीलीनियर जिसको पॉलीनोमियल भी कहते हैं या मल्टीपल लगेगा। तो कोरिलेशन में बेसिकली हमने स्कैटर डायग्राम हमें ये बताती है कि कोरिलेशन की डायरेक्शन कौन सी, ठीक है। अगर ऊपर को जा रही है, यानी एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो अगर पॉइंट्स सारे लाइन्स के ऊपर हों, जितने ज़्यादा लाइन्स के ऊपर होंगे उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, जितने लाइन से हटके होंगे डॉट्स उतना वीक कोरिलेशन होगा। और अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल के दरमियान। तो जब अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट और दूसरा टेस्ट द हाइपोथेसिस। रिग्रेशन में हमने देखा काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर, यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिंपल आर। वहां पर हम स्कैटर डायग्राम ड्रा करते हैं, मॉडल अप्रोप्रिएट फिट करते हैं, टेस्ट टी टेस्ट करते हैं, एफ टेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर करते हैं, सिग्निफिकेंस मेजर करते हैं। इन काफी ज्यादा क्वेश्चन है, कोरिलेशन में सिर्फ दो ही क्वेश्चन होते हैं, या आपसे पूछा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर करें या आपसे पूछा जाता है कि जी आप टेस्ट द सिग्निफिकेंस करें। तो सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल कोरिलेशन के लिए अगर कोफिशेंट कोरिलेशन आपने मालूम करना है तो ये उसका फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर ओवर एस, आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो एस एक्स वाई जैसे हम रिग्रेशन में निकालते हैं, समीशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार, वही फार्मूले यहाँ पर लगेंगे और आर की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। आर क्या है? कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, इनकी प्रॉपर्टी लिखी है, इनको पढ़ लीजिएगा। आर की वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन के दरमियान आनी चाहिए, अगर इससे ऊपर नीचे आ रही है इसका मतलब आपका जवाब गलत है। आर एक्स वाई ऑलवेज इक्वल टू आर वाई एक्स, या आर वन टू इज ऑलवेज इक्वल टू आर टू वन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, ये दो आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में काम आएंगे, बाकी आपने पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आ गया था, फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द विंग लेंथ एंड टेल लेंथ ऑफ स्पैरोस। स्पैरोस की विंग लेंथ और टेल लेंथ है, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, जिसको मर्जी एक्स रख लें जिसको मर्जी वाई रख लें, या वेरिएबल नंबर वन वेरिएबल टू रख के भी कर सकते हैं, ठीक है जी। समीशन एक्स हमने निकाल लिया, समीशन वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे बिल्कुल रिग्रेशन में करते थे बिल्कुल उसी तरह। दो क्वेश्चन मैंने बताया था, फाइंड द कोएफिशिएंट और टेस्ट द हाइपोथेसिस। फाइंड द कोएफिशिएंट के लिए हमें हमारे पास फार्मूला है, आर इज इक्वल टू समीशन एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x बार हमने निकाल लिया, y बार निकाल लिया, एस एक्स वाई निकाल लिया, एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर निकाल लिया। एक मिनट, ये इसी शोर की वजह से रात भी मैं वीडियो अपलोड कर नहीं सका, तो सुबह से काफी कॉल और मैसेज आ रहे थे। एस एक्स वाई हमने निकाल लिया, समीशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार, वही फार्मूला जो हमने रिग्रेशन में पढ़ा है, ठीक है। ये तीनों हमने निकाल लिया, तीनों की वैल्यू पुट की, आर आ गया 0.866, वन माइनस वन और प्लस वन के दरमियान है, इसका मतलब हमारा जवाब ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन, दूसरा टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो है ना सिंपल और पार्शल, उन दोनों में टी लगेगा, और
मल्टीपल में एफ टेस्ट लगेगा, और एफ टेस्ट में नोवा नहीं है, उसका फॉर्मूला अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इसको टेस्ट कैसे करना है, वही स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले बीटा की जगह पर यहाँ पर आता है रो, ठीक है, पी की तरह लिखते हैं उसको, जिस तरह बीटा बी की तरह लिखते हैं, नीचे से थोड़ा सा होता है, इसी तरह रो को पी की तरह लिखते हैं। तो एच नॉट इज इक्वल टू रो वन टू, ये वन टू अब कहाँ से आया है, यहाँ पर अगर आप देखें जैसे मैंने बताया एक्स हमारा पहला वेरिएबल है, वाई दूसरा वेरिएबल, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करते हैं पहले वेरिएबल की दूसरे के साथ, आर वन टू या आर टू वन सेम ही होता है, आर एक्स वाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस जब आर वन टू है तो फिर यहाँ पर रो भी वन टू ही आएगा, एच नॉट इज इक्वल टू रो वन टू इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल वैसे ही है, बीटा की जगह रो आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा, टी टेस्ट टी का फार्मूला भी वही है, वहां बीटा वन माइनस सॉरी वी वन माइनस बीटा वन होता था, यहाँ आर वन टू माइनस रो आर वन, आर वन टू माइनस रो वन टू डिवाइडेड बाई, वहां एस वी वन था, एस वी वन क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ वी वन, तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर वन टू, क्लियर है। तो आर वन टू हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 0.866, रो जीरो आ गया, और एस ई स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर वन टू इज इक्वल टू वन माइनस आर वन टू का स्क्वेयर और एन माइनस टू सारे का अंडर रूट, वैल्यूज पुट की, आर की हमने ऊपर निकाली थी, एन हमारे पास 12 है, माइनस टू किया 0.158 इसका जवाब आया, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो टी कैलकुलेटेड आ गया 5.47, टी टैबुलेटेड आया 2.22, सिंस टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टैबुलेटेड सो वी रिजेक्टेड एच नॉट एंड कंक्लूडेड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल्स, ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो, बस इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये फिर सेम क्वेश्चन डिफरेंट डाटा के साथ, अगेन इसमें भी वही सारा कुछ किया हुआ है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट है जी पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल दो को भी स्टडी करते हैं, बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको कॉन्स्टेंट कर देते हैं, ठीक है, वी स्टडी टू वेरिएबल बाय कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अदर कॉन्स्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मालूम हमने वही दो चीजें करनी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और टेस्ट द सिग्निफिकेंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर 1 2.3। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी एक्स वन और टू को स्टडी करें, एक्स थ्री को कांस्टेंट रख लें, ठीक है, यानी आर 1 2.3 पॉइंट रख लगा लेना है कांस्टेंट, जिसको भी रखना है उससे पहले। दूसरी पॉसिबिलिटी हम एक्स टू और थ्री को स्टडी करें, वन को कांस्टेंट कर लें, यानी आर 2 3.1। तीसरी पॉसिबिलिटी है एक्स वन और एक्स थ्री का रिलेशन स्टडी करें, टू को कॉन्स्टेंट कर लें, यानी आर 1 3.2। ये तीनों लिखे हुए हैं, आर 1 3.2, आर 2 3.1 और आर 1 2.3, ठीक है। अब इसके फार्मूला कैसे याद करने हैं, आर 1 2.3 लिखा है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ये जो हमने मालूम करना है आर 1 2 वो लिख लिया, आर 1 2 आ गया, माइनस बाकी जो दो बच गए हैं, आर 1 3 बच गया और आर 2 3 बच गया, ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आर 1 2 जो हमने मालूम करना है उसमें से माइनस दोनों का कम्बिनेशन आर 1 3 और आर 2 3, और नीचे डिवाइड में आएगा 1 में से इन दोनों का स्क्वेयर माइनस कर लेंगे, 1 माइनस आर 1 3 का स्क्वेयर और 1 माइनस आर 2 3 का स्क्वेयर, ठीक है। तो कोरिलेशन में जहां भी स्केयर आएगा किसी चीज का उसका अंडर रूट जरूर आएगा, इसलिए हम नीचे अंडर रूट लगा रहे हैं। अब नीचे आ जाए सेकंड ऑफ सिचुएशन, आर 1 3.2 को कैलकुलेट करना है, तो 1 3 हम परूम कर रहे हैं, तो 1 3 इधर आ गया आर 1 3, इसमें से माइनस करना है आर 1 2 और आर 2 3 जो दोनों बच गए, 2 3 या 3 2 एक ही बात है, जो मैंने शुरू में बताया कि आर 1 2 ऑलवेज इक्वल टू आर 2 1, आर 2 3 इज ऑलवेज इक्वल टू आर 3 2, ठीक है जी। तो 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 या यहाँ पर 2 3 लिखा है एक ही बात है। फिर नीचे हमने 1 माइनस इन दोनों में से, इन दोनों का जो स्केयर है वो 1 में से माइनस करके उसका अंडर रूट ले लेना है, 1 माइनस आर 1 2 का स्केयर, 1 माइनस आर 2 3 का स्केयर और सारे का अंडर रूट, इसी तरह थर्ड वाला, ठीक है जी। ये बिल्कुल आसान फार्मूला है, अगर हमारे पास चार वेरिएबल हो, अगर हमारे पास चार वेरिएबल हो, आर 1 2.3 4 हो,
उसका कैसे फॉर्मूला है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हम तीन वाले को लिख लेंगे, ठीक है, स्टार्ट वाले, 1, 2, 3 माइनस आर 1, 4.3 एंड वाले के साथ, फिर जो दरमियान वाला बच गया है 2, 4.3, ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखे हैं इनको नीचे माइनस कर लेंगे, क्लियर है, दैट इज इक्वल टू आर 1, 2.4 माइनस, अब यहां पर देखें ये चार हो गए ना, ऊपर तो हमने सिंपल पढ़ लिया था कि पहले ये दो लिख लेंगे जो काउंट कर लेंगे, फिर टू का दोनों के साथ मल्टीप्लाई लिख लेंगे, ठीक है, वन जिसको कांस्टेंट रखा हुआ है उसको एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरे के साथ, तो नीचे उन दोनों में से वन में से माइनस कर लेंगे। यहाँ क्या डिफरेंस आया है, 12.34 था, अब यहाँ पर बेशक 12.3 लिख लें बेशक 12.4 लिख लें, दोनों का एक ही आंसर आता, ठीक है, आर 12.3 है आर 12.4 है। अब अगर 3 लिखा है तो माइनस करते वक्त 4 वाला लिखेंगे, अगर 4 लिखा है तो माइनस करते वक्त 3 वाला लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से 4 वाला भी पूछा जा सकता है, लेकिन 4 वेरिएबल दो, लेकिन ज्यादा चांसेस 3 वेरिएबल तक ही है। अब ये क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट x1 इज फिश लेंथ, x2 इज फिश वेट, x3 इज फिश एज, R12 दिया है, R13 दिया है, R23 दिया है, यानी इनके आपस में जो सिंपल कोरिलेशन है फिश लेंथ और फिश वेट का, फिश लेंथ और फिश एज का, फिश वेट और फिश एज का, यानी R12, R13, R23 की वैल्यू दी हुई है ये, और n दिया है 15। क्वेश्चन वही दो है, फाइंड द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 व्हाइल द इफेक्ट ऑफ x3 कैप्ट कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें पता कैसे चलेगा कि सिंपल कोरिलेशन है या मल्टीपल कोरिलेशन? सिंपल हमेशा होंगे ही दो वेरिएबल, ठीक है, पार्शियल का जब भी क्वेश्चन आएगा या तो उसमें लिखा होगा फाइंड पार्शियल कोरिलेशन, या उसमें लिखा होगा फाइंड कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 व्हाइल कीपिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड कॉन्स्टेंट। जब इफेक्ट एक का कॉन्स्टेंट रखने को कहा जाए समझें पार्शियल कोरिलेशन है, ठीक है, इसी तरह आगे मल्टीपल में बताऊंगा कि उसका कैसे पता चलेगा। अब हमें कह रहा है कोफिशिएंट 1 और 2 का निकालें 3 को कांस्टेंट रख के, इसका मतलब है R12.3 हमने निकाला, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लें फिश वेट और फिश एज का फिश लेंथ को कांस्टेंट रख के, तो फिर होता R23.1। इसी तरह अगर हमें कहता है कि फिश लेंथ और फिश एज का कोरिलेशन निकालें फिश वेट को कांस्टेंट करके, तो हम लिखते हैं R13.2, ठीक है जी। तीन हमने ऊपर पढ़े, तीनों नहीं पूछे जाते, एक ही पूछा जाता है, तो हमें कहा है इसने 1 और 2 का कोरिलेशन निकालें, थर्ड को कांस्टेंट कर ले, तो 1, 2.3 आ गया। R1.23 का हमें फार्मूला पता है, 1.23 का फार्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि सबसे पहले जो मालूम करना है उसको लिखेंगे R12 माइनस R13 और 23 की प्रोडक्ट, और फिर जो प्रोडक्ट्स लिखी हैं उनको नीचे 1 में से उनका स्क्वायर माइनस करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। अब ये R12, R13, 23 की वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई हैं, हमने सारी वैल्यूज पुट की फार्मूला के अंदर और R12.3 का आंसर निकाल लिया 0.27, 1 के माइनस 1 और प्लस 1 के दरमियान है, इसका मतलब हमारा जवाब ठीक आया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में उसने कहा था जी टेस्ट हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस हमने करना है उसी तरह बिल्कुल, Rho 12 की जगह क्या आ गया Rho 12.3, सेम बिल्कुल वैसे ही R12 की जगह R12.3 आ गया, SER 123 आ गया। अब यहाँ डिफरेंस यहाँ पर आया, सिर्फ SER 1.2 का फार्मूला था 1 माइनस R12 का स्केयर ओवर N-2, तो यहाँ पर N-2 माइनस के हो गया। अब के यहाँ पर क्या है, जितने वेरिएबल हमने कॉन्स्टेंट किए हैं वो के, एक कॉन्स्टेंट किया एक आ गया, ठीक है जी। एन हमें दिया था 15, SE स्टैंडर्ड एरर ऑफ R12 हमने निकाल ली 0.18, इसको यहाँ पर पुट किया, R12 की वैल्यू ऊपर 0.27 हमने निकाली थी वो यहाँ पर पुट की माइनस 0, यानी यहाँ पर 0. यहाँ पर 0 आ जाएगा Rho 12.3 और R12 3 की जगह 0.27 और ये यहाँ पर वैल्यू पुट की हुई है, टी कैलकुलेटेड आ गया 0.77, ठीक है जी। टी कैलकुलेटेड है 2.1, तो यहाँ पर पहली दफा हुआ ऐसा
T calculated is smaller than T tab, so we don't reject H naught. And concluded that there is non-significant linear relationship between X and Y. इनमें कोई significant relation नहीं है. हमारा T calculated छोटा आ रहा है T tabulated से, so we don't reject H naught, या we accepted H naught. Clear है? इसी तरह ये next question है. उसमें क्या पूछा है उसने, फाइंड पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन 1 3 व्हाइल द इफेक्ट ऑफ टू केप्ट कांस्टेंट. 1 3.2 पूछा है. 1 3.2 का फार्मूला बनाएंगे पहले, उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर टेस्ट हाइपोथेसिस करेंगे सेम बिल्कुल वैसे. ठीक है जी, लास्ट पे है मल्टीपल कोरिलेशन. मल्टीपल कोरिलेशन में हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर बाकी वेरिएबल्स का जॉइंट इम्पैक्ट स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने क्रॉप लगाई है, उसकी यील्ड को स्टडी करना है, फर्टिलाइजर और सीड रेट का जॉइंट इम्पैक्ट फर्टिलाइजर पर स्टडी करेंगे अगर हम टू मल्टीपल कोरिलेशन हो. ठीक है जी, तो इसमें स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं. वही अगेन थ्री वेरिएबल है, 1 2 3. 1 को स्टडी करना है हमने, 1 के ऊपर 2 और 3 का जॉइंट इम्पैक्ट स्टडी करना है. यहाँ पर कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट 2 3 जितने भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया पार्शियल में केप्ट कांस्टेंट का वर्ड आएगा तो हमें पता चल जाएगा पार्शियल कोरिलेशन. मल्टीपल में या तो डायरेक्ट लिखा होगा फाइंड आउट मल्टीपल कोरिलेशन, या फिर आएगा जॉइंट इफेक्ट का वर्ड आएगा तो हमें पता चल जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन. ठीक है जी, तो इसमें स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर एक तीन कंडीशन आ गए हैं कि 1 के ऊपर हम 2 3 का जॉइंट इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं, x1 2 3 है, x1 के ऊपर हम 2 3 का जॉइंट इम्पैक्ट स्टडी करें, या x2 के ऊपर 1 3 का जॉइंट इम्पैक्ट स्टडी करें, या x3 के ऊपर 1 2 का जॉइंट इम्पैक्ट स्टडी करें. तीनों कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है. R1.23 का मतलब है कि 1 को स्टडी करना है, 2 3 का जॉइंट इम्पैक्ट 1 के ऊपर क्या आ रहा है. R2.13 का मतलब है कि 2 के ऊपर 1 3 का जॉइंट इम्पैक्ट क्या आ रहा है. सिमिलरली थर्ड वाला. तो यहाँ पर फार्मूला हमने कैसे बनाना है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, R12 का स्केयर ये आ गया, R12 का स्केयर, देन R13 का स्केयर, दोनों को प्लस से दरमियान. ठीक है जी, -2 × 3 तीनों लिख देने, R12 R13 R2. ठीक है, वो फॉर्मूला हम पढ़ते थे, a² b² -2ab इस तरह का. तो ये एग्जैक्ट तो नहीं उससे मिलता लेकिन उससे मिलता जुलता ही, a² + b² - 2ab, लेकिन यहाँ पर तीनों लिखने हैं. तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस, जो यहाँ पर 2 लिख लिए थे, 1.12 भी लिख लिया था, 1.3 भी लिख लिया था, जो रह गया है उसको नीचे लिख देना. ठीक है, यानी बाद वाला 1 - R2 3 का स्क्वायर. क्लियर है, नीचे वाला देखिए हम 2.13 है तो पहले 2.1 आ जाएगा, R2.1 का स्क्वायर. 1.2 यहाँ पर क्यों लिखा है, 2.1 और 1.2 एक ही बात होती है, 2.1 भी लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं. तो उसके बाद 2 3 आएगा, ये 2 3 लिखा हुआ है, R 2 3 माइनस तीनों आ जाएंगे, 1 2 1 3 2 3 डिवाइडेड बाय 1 3 का R 1 - R 1 3 का स्क्वायर. यहाँ पर गलती अक्सर ये होती है, हम सारे का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर सिर्फ R का लेना है, जो स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू आएगी 1 में से उसको माइनस करना है. तो इसी तरह ये थर्ड फार्मूला है. तो क्वेश्चन इसमें भी वही होंगे कि हमें R 1 2 1 3 1 2 3 दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, डाटा ऊपर वाले क्वेश्चन का ही है. फाइंड आउट द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3, यानी हमें कह रहा है 1.23 निकालो. 1.23 का फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की 0.73 आंसर आ गया. -1 और +1 के दरमियान है, इसका मतलब ठीक है. अगेन उसको टेस्ट करना है. यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि मल्टीपल में हमेशा एफ टेस्ट लगेगा, और एफ टेस्ट में नोवा नहीं लगेगा बल्कि एफ टेस्ट का ये फार्मूला है, n - k - 1 × जो भी आर होगा, 1.23 हो, 3.21 हो, या 2.13 हो, जो भी होगा यहाँ पर उसका स्केयर आ जाएगा. नीचे आएगा k × 1 - r का स्केयर. ठीक है जी, k यहाँ पर क्या है, बेसिकली जितने वेरिएबल्स का हम ज्वाइंट इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली k है.
यहाँ पर टू आ गया, ठीक है, बाकी सारी जगह पर आर की वैल्यू पुट की, 6.85 जवाब आ गया, टैबुलेटेड 3.89 है, सिंस एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टैबुलेटेड सो वो रिजेक्ट द एच नॉट। एक असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, क्वेश्चन कोरिलेशन का, उसमें पूछा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाले, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर है, तो डिटरमिनेशन हमने रिग्रेशन में पढ़ा था आर स्क्वायर होता है, सिंपली इसका स्क्वायर ले लें तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल आएगा। तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हमें याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह।